मैम, मेरा नाम अक्षिता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। तो आप में से कई लोगों ने मेरे से ब्रेकफास्ट रेसिपीज की रिक्वेस्ट करी थी, तो आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग ब्रेकफास्ट रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आपने बहुत तरह के सैंडविचेस खाए होंगे, और अक्सर हम लोग क्लोज सैंडविचेस खाते हैं जिसमें हम लोग दो स्लाइसेस लेते हैं और बीच में हमारी फिलिंग होती है। पर एक और तरह के सैंडविचेस होते हैं जिनको हम ओपन सैंडविचेस कहते हैं। तो आज मैं आपको दो तरीके से हेल्दी जो ओपन सैंडविचेस हैं उनकी वेरिएशंस दिखाऊंगी। उसके लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो पहली वेरिएशन जो हम बनाने वाले हैं, वो बनाने वाले हैं हम मिंट बेस्ड वेरिएशन। तो उसके लिए हमको चाहिए होगा, यहाँ पे मैंने ग्रीक योगर्ट लिया है। इस तरीके से ग्रीक योगर्ट्स मार्केट में आते हैं, तो आपको प्लेन वाला लेना है। तो मैंने दोनों सैंडविचेस का सामान इकट्ठा लिया है। तो जो 100 ग्राम्स ग्रीक योगर्ट है उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फिर आपको 8-10 पत्ते जो हैं मिंट के, उसको 1 चम्मच दही के साथ, रेगुलर कर्ड के साथ ब्लेंड कर लेना है। सिंपल बेसिक जो भी आपका बटर हो वो आपको चाहिए होगा, सॉल्ट चाहिए होगा, और अगर आप पेपर यूज करना चाहते हैं तो पेपर कर सकते हैं या रेड चिली, ये आपको एज पर टेस्ट लेना है। ब्रेड ऑफ योर चॉइस, मैंने यहाँ पे मल्टीग्रीन ब्रेड यूज करी है, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। जो दूसरी वेरिएशन है वो हम गार्लिक वेरिएशन कर रहे हैं, उसके लिए आपको गार्लिक बटर चाहिए होगा। इस तरीके से गार्लिक बटर मार्केट में आता है, और इसके लिए आपको सीजनिंग चाहिए होगी, या फिर आप जो सिंपल आपका इटालियन सीजनिंग्स आती हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या मिक्स्ड हर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे भी आपका टेस्ट आपको अलाउ करता है। और फाइनली सैंडविच पे लगाने के लिए आपको वेजिटेबल्स ऑफ चॉइस चाहिए होंगे, मैंने यहाँ पे कुकुम्बर, अनियन, टोमेटो एंड रेड कैप्सिकम लिया है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मिंट वाला जो वेरिएशन है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम उसकी ड्रेसिंग तैयार करते हैं। यहाँ पे जो योगर्ट है उसके अंदर हम लोग 1 से 2 चम्मच ये जो हमने मिंट का पेस्ट बनाया था इसको ऐड कर देंगे। फिर इसके अंदर जो भी आपको स्पाइसेस ऐड करने, अगर आपको ब्लैक पेपर यूज़ करना है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको रेड चिली यूज़ करनी है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसको इस तरीके से ब्लेंड करके इसका बेस बनाना। आप अगर ग्रीक योगर्ट नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसकी जगह हंग कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो हंग कर्ड बनाना बहुत ही सिंपल है। जो बेसिक कर्ड होता है उसको धोती या फिर जो दुपट्टा होता है या रुमाल होता है, ऐसे कपड़े के अंदर आप लटका के रख दीजिए फॉर अबाउट 2 to 3 आवर्स। उसका सारा वाटर ड्रेन होने के बाद वो ऐसे क्रीमी टेक्सचर का हो जाता है, तो वो आप अपने सैंडविचेस के लिए या सैलड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर वो आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ग्रीक योगर्ट यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये हमारी जो डिप है ये बन के रेडी है। अब हम इसको अपने जो ब्रेड है उसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। ओपन सैंडविचेस के अंदर सेकंड ब्रेड यूज़ नहीं होता, इसमें सिर्फ आपको एक ही ब्रेड यूज़ करना होता है। इस तरीके से हमने इसको लगा लिया है। अब हम लोग सेकेंड डिप जो है, सेकेंड बेस है, वो रेडी कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे ग्रीक योगर्ट लिया हुआ है, इसके अंदर हम लोग सीजनिंग ऐड कर देंगे और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। अगेन इसको भी मिक्स कर लेंगे। आप इसके अंदर चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किए हैं। अगर आप लाइक करते हैं तो आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। ये आपकी सीजनिंग जो है ये बन गई है। अब इसको इसमें, ये जो ब्रेड है ये हमने गार्लिक बटर के अंदर सेका है, इस तरीके से इसको स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसकी टॉपिंग करेंगे। तो टॉपिंग के लिए आप जिस मर्जी फैशन में रख सकते हैं। आई विल स्टार्ट विथ क्यूकुम्बर्स फर्स्ट। कोई भी वेजिटेबल्स आप इस पे यूज कर सकते हैं ऑफ चॉइस, जो भी आप पसंद करते हैं खाना। तो ये मेरे फेवरेट वेजीज हैं जो मुझे सैंडविचेस में पसंद है। आप इसमें ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं, कॉर्न ऐड कर सकते हैं, लेटस, कोई भी और तरह के येलो कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, जो भी आप पसंद करते हैं। ये आपके सैंडविचेस जो हैं ये रेडी हैं, और इसके ऊपर भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। जैसे मिंट वाले पे मैं चाट मसाला करने वाली हूँ, और इसके ऊपर शायद मैं थोड़ी सी और सीजनिंग करने वाली हूँ, बट वो ऑप्शनल है। तो इस तरीके से आपके बहुत ही हेल्दी ओपन सैंडविचेस रेडी हैं। इसमें आप कई तरीके की वेरिएशंस कर सकते हैं, ये बस ये मैंने दो बेसिक वेरिएशंस आपको दिखाई हैं। तो इसको ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझसे शेयर करना मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू, और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में।